वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे, SOPs का ख्याल रख रहे होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने अब तक ज़रूर करवा ली होगी और अगर नहीं करवाई है आपने या आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी ने, यकीनन उसको कन्विंस भी कर रहे होंगे, ज़रूर करवाएं अपने और अपने प्यारों की सेफ्टी के लिए। बच्चों बूढ़ों का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? खुश रहिए सबसे ज़्यादा, तो खुश रहने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप अच्छा फील करते हैं, विल पावर भी बढ़ती है, आप सेहतमंद भी रहते हैं। साइंस ने इस बात को भी साबित किया है, जब हम खुश रहते हैं तो हमारी उम्र भी बढ़ती है, हम ग्लो भी करते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी खुशी को अपनी हद तक ही महदूद इस सेंस में रखें कि किसी और पर ज़िम्मेदारी ना डालें कि वो आपको खुश रखें। खुद ही छोटी छोटी खुशियों से, छोटे छोटे मौक़ों से, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाया करें। अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना के भी हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। और इसके अलावा कभी कोई रेसिपी बहुत अच्छा टर्न आउट हो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ बेकिंग कर रही हैं, कुछ नई कोई रेसिपी तैयार कर रही हैं, बना रही हैं और वो बहुत अच्छे से बन जाती है, तो ये भी एक बहुत ही खुशी की बात है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। हैदराबादी अचार गोश्त बनने जा रहा है और इसके साथ आज हम बनाएंगे मैंगो बनाना ट्राइफल। बहुत ही इजी सी सिंपल सी रेसिपी है। वैसे तो आम का सीज़न ऑलमोस्ट एंड पे है, लेकिन आम अब भी आ रहे हैं और वो तमाम लोग जो आम बहुत शौक से खाते हैं, अभी भी उनकी कोशिश होती है कि आमों के साथ रेसिपीज़ बनाई जाएँ या घर में आम ज़रूर हों। और जो आपको अच्छा लगता है वो वाली टाइप का आप आम ले सकते हैं इस ट्राइफल को बनाने के लिए। और जहाँ तक केलों की बात है, तमाम साल अवेलेबल रहते हैं। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, चीप फ्रूट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। दिन का आगाज़ कर सकते हैं आप केलों के साथ या एप्पल के साथ। और केले क्योंकि मीठे भी होते हैं, जब दिन का आगाज़ करते हैं तो हमारा शुगर लेवल भी बड़ा सेट हो जाता है, हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। बहुत ईजी नाश्ता है दूध के गिलास के साथ अगर आप एप्पल या बनाना ले लेते हैं। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ हैं। सवाल भी आज का बताते चलें क्योंकि आज NX है हमारे पास आपको देने के लिए। तो आज ऐसा करें कि हैदराबादी रेसिपीज़ ढेर सारी मैंने भी बनाई हैं और अगर आप मसाला TV देखते हैं, व्यूअर हैं हमारे, तो यकीनन आपने डिफरेंट शेफ़्स को डिफरेंट ढेर सारी हैदराबादी रेसिपीज़ बनाते हुए देखा होगा, सुना होगा, आपने ट्राई भी की होंगी। कुछ हैदराबादी यूनिक सी रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताइए। एक छोटा सा बहाना है आपको गिफ्ट देने का, फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाज़ी में शामिल हो सके। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले तैयार कर लेते हैं मैंगो बनाना ट्राइफल, जिसमें कुकिंग कुछ भी नहीं है। आज का ट्राइफल इस सेंस में भी बहुत अच्छा है, जब आप कोई गेट टुगेदर है, कुछ दावत कर रहे हैं और बहुत सारी ये जो हमारी नमकीन चीज़ें हैं, कबाब, बिरयानी, कढ़ाई, इसमें आपने अपना वक्त काफ़ी सर्व कर लिया। अब आप कुछ मज़ेदार सा मीठा भी बनाना चाहते हैं लेकिन चूल्हे के आगे खड़ा भी नहीं होना है, कुछ ईजी सा बनाना है, तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्राइफल है जिसमें आपने कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ मिक्सिंग करनी है। तो मैं इसके अज्जा आपको नोट करवा देती हूँ। इसमें जाएंगे केले, आम, वैसे आजकल फ्रूट्स बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं, अंगूर भी है, पीचेस हैं, और ये भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वो क्या होगा कि मिक्स फ्रूट ट्राइफल हो जाएगा। बहरहाल आज हम इसमें केले और आम ऐड कर रहे हैं। ऑरेंज पाउडर है, किसी भी किस्म का आप ऑरेंज पाउडर ले सकते हैं जिससे इसमें एक ऑरेंज का फ्लेवर भी आएगा। प्लेन केक के क्यूब्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर किसी वजह से आप केक ऐड नहीं कर रहे हैं, ब्रेड स्लाइसेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन केक से इसका जो फ्लेवर है वो यकीनन ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा आएगा। और काफ़ी दफ़ा मैंने भी, और मसाला पे मोस्टली आपने देखे होंगे, सिंपल पाउंड केक, टी केक, उसको तैयार कर लीजिए और इस ट्राइफल में यूज़ कीजिए। इसके साथ ही इसमें जाएगा दही, क्रीम ऐड कर रहे हैं और आइसिंग शुगर। आपने दानेदार चीनी लेनी है, उसको बहुत अच्छे से पीस लीजिएगा तो आपने वो इस जो हमारी ये रेसिपी है इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं ट्राइफल में। तो हेल्दी भी है, क्रीम हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, दही हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, आप इसमें एक जो क्रीम है, फ्रेश क्रीम जो
बेकरी से आपको मिलती है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कोई व्हिपिंग क्रीम नहीं है, नॉर्मल जो हमारी फ्रेश क्रीम होती है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए आप बेकरी से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें कोई इसको व्हिप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा है कि क्रीम, दही और चीनी, इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद हमने फ्रूट के स्लाइसेस कर लेने हैं, वो हमने ऑरेंज पाउडर में मिक्स करना है। चीनी हम उसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। दही कोशिश कीजिएगा बिल्कुल फ्रेश लीजिए, और दही अगर खट्टा हुआ तो ट्राइफल अच्छा नहीं बनेगा, चीनी बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें वो एक टेक्स्चर नहीं आ सकेगा। तो कोशिश कीजिएगा जो आपका दही हो वो बहुत अच्छा हो, फ्रेश आपने दही लेना है। मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त सी इलेक्ट्रिक कैटल है हमारे पास, जो आप विन कर सकते हैं एक छोटी सी फ़ोन कॉल के ज़रिए। और साथ ही साथ अगर नहीं मिल पाती है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसको भेज देना है 888-1 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाज़ी में शामिल हो सके। तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, मैसेज कीजिए और अपना जवाब हमें नोट डाउन करवाइए। आपने हमें हैदराबादी रेसिपीज़ के नाम बताने हैं, कुछ फेमस सी रेसिपीज़ के नाम बताइए। हैदराबादी कुजीन खासी फेमस है, और बड़ी सारी इनकी रेसिपीज़ हैं जो हम भी तैयार करते हैं, और बहुत ही मज़ेदार सी भी बनती हैं, खटास लिए हुए होते हैं मोस्टली इनके फूड। जितने भी हैदराबादी खाने हैं, आज हम अचार गोश्त बनाने जा रहे हैं, जो कि हम चिकन से बना रहे हैं। मोस्टली अचार गोश्त गोश्त से बनाया जाता है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी वजह से गोश्त में नहीं बनाते हैं, तो आप चिकन में बना लीजिए। चलिए इसमें मैं ऐड कर देती हूँ फ्रेश क्रीम। चीनी ज़रूरी नहीं है कि आप एक कप ही इसमें ऐड करें, टेस्ट करके देख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर मीठी क्रीम ले रहे हैं, बेकरी से जब हम क्रीम लेते हैं तो हमें मीठी और फीकी दोनों तरह की क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। अगर आपकी क्रीम मीठी है तो भी आपकी जो चीनी की मकदार है वो यकीनन कम हो जाएगी। तो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और बाज़ लोग मीठे में भी बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, और बाज़ लोग पसंद करते हैं कि हाँ स्टैंडर्ड एक जो मीठा होता है वो ज़रूर हो। तो अपने हिसाब से आपने इसमें चीनी की मकदार को कम या ज़्यादा कर लेना है। मैं इसमें हाफ ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, और फिर मैं इसमें आधी शामिल करूँगी। फ्रूट्स आपने सिर्फ उस वक्त ही काटने हैं जब आप इसमें ऐड करने जा रहे हो। फ्रूट्स के साथ ही हम इसकी गार्निशिंग भी करेंगे, तो कुछ स्लाइसेस आप अपने पास रख लीजिए और बाकी हम इस मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। जितना ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा, तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लें। अगर कुछ दावत वगैरह है तो फिर बहुत अच्छा है कि जो भी मीठा बना रहे हैं उसको आप रात को तैयार कर लें, ओवरनाइट वो बहुत ज़बरदस्त सा ठंडा होगा, और फिर नेक्स्ट डे आप उसको सर्व कर सकते हैं। चलिए चीनी, क्रीम और दही ऐड करके मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको टेस्ट करके देखूँगी। जो फ्रूट्स हैं उसकी कटिंग कर लेंगे, और एक दफ़ा इसको सेट करके रख दें, तो उसके बाद हम आ जाएंगे अपने इस अचार गोश्त की तरफ। ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं, सिर्फ इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। चीनी कम होगी तो हम और ऐड कर देंगे, उसको मिक्स करेंगे, फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वापस आएंगे, इसको असेंबल करेंगे। खूबसूरत सा बोल ले लीजिए, उसमें हम इसको असेंबल करेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। हमने क्या किया, ट्राइफल के लिए सिर्फ चीज़ों को मिक्स किया है, दही, चीनी और क्रीम। उसको मैंने फ्रिज में, बल्कि फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो खूब अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके बाद ब्रेक में हमने फ्रूट्स काटने हैं आपके सामने, उसको असेंबल कर लेंगे, लेकिन उसको ठंडा होने देते हैं और आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है हैदराबादी अचार गोश्त, जिसको हम चिकन के साथ बना रहे हैं। और इसमें आपको चिकन चाहिए होगा, प्याज, सुर्ख टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, दही, लेमन जूस,
ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे और साथ ही अचार गोश्त का एक मसाला सब प्रिपेयर करेंगे। हरा धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे और साबित लाल मिर्च हमें चाहिए होगी। अच्छा, ये जो हमारे पास हरी मिर्चें हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक तो आपने इसमें अचार गोश्त का जो मसाला हम बनाएंगे, जिसमें ये कुछ अचारी मसाले हैं, सौंफ है, राई है, मेथी दाना है, कलौंजी है, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, ये तमाम चीज़ें आप ऐड करें और उसके बाद हम वो सालन में भी ऐड करेंगे और साथ ही मिर्चों में भी शामिल करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाट मसाले में लेमन जूस ऐड करके उससे भी मिर्चें भर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इसमें खटाई पाउडर और उसमें लेमन जूस ऐड करें और उससे भी आप मिर्चें भर सकते हैं। तो मैं इसमें खटाई पाउडर और लेमन जूस मिक्स करके उससे हम ये मिर्चें भरेंगे, लेकिन जो अचार का मसाला है वो हम तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिर्चें तो हमने भरनी है, वो हम भरते हैं। पहले हम चिकन को पकने के लिए रख देते हैं लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक और इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल आधा कप। प्याज क्योंकि हमारे पास सुर्ख है तो हम इसमें डायरेक्टली चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आपके पास प्याज सुर्ख ना हो तो आप सबसे पहले इसमें प्याज को लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लें और उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर दें। सवाल आज का यही है, आपने हमें हैदराबादी खानों के बारे में आपने हमें बताना है और फिर आप जीत सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक कैटल है आज एनएक्स की, वो आप विन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है 888-1 पे। चलिए अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड की और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से हम इसको भून लेंगे। आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ और इसके साथ ही साथ अगर आप अचार गोश्त का मसाला बना के रखना चाहते हैं तो फिर उसमें आपने अचारी मसाले ऐड करने हैं। और अगर चाहें तो साबित, क्योंकि ये हम सालन बनाने जा रहे हैं तो मैं इसमें ये साबित ही रखूँगी। सौंफ है, राई, मेथी दाना और कलौंजी, इन सबको आप मिक्स करें और इसके साथ साथ आपने पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक ऐड करना है, थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दीजिए और उसको बॉटल में बंद करके आप रख सकती हैं। और फिर किसी भी किस्म का कुछ अचारी बनाना चाहते हैं तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये तमाम अचारी मसाले, दही शामिल कर देंगे और हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। टमाटर इसमें जाएंगे, अच्छी सी ज़बरदस्ती ग्रेवी के साथ तैयार होता है, क्योंकि टमाटर भी हैं इसमें, दही भी है। और एक दफ़ा जब हम टमाटर ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे, दही हम उसके बाद शामिल करेंगे। तो ऐसा करते हैं टमाटरों के भी स्लाइस कर लेते हैं। तकरीबन आपने एक से डेढ़ पाव ले लेने हैं टमाटर और उसको रफली चॉप करेंगे, क्योंकि हमें टमाटरों को अच्छा सा मैश ही करना है। चिकन का इतना ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता, अगर आप इसको गोश्त में बना रहे हैं तो फिर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ पहले गोश्त को गला लीजिएगा, उसके बाद उसमें ऐड कीजिएगा टमाटर, वरना ये होगा कि उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा और बढ़ जाता है। किसी भी किस्म की हम खटास ऐड करते हैं तो फिर चाहे वो दालें हों या आलू हो, कोई वेजिटेबल हो, इनफैक्ट लौकी भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है अगर हम उसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने रफली चॉप कर दिए और जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हमारे ये अचारी मसाले और ये पिसे हुए मसाले। चले मेथी दाना वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली अगर आप के बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं तो आप इसको भिगो के रख दीजिए और सुबह उठकर आपने इसका पेस्ट बनाना है उसको बालों में लगाइए और फिर उसके बाद एक से दो घंटे रखने के बाद आप उसको वॉश कर लें। चाहे तो एक से दो टेबल स्पून उसमें दही का इस्तेमाल करें। तो जो हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं आप
घर में भी उसको कर सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं। हमें मुश्किल लगता है चीज़ों को भिगोना, पीसना, और ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन आप इसको कर सकते हैं बहुत ईजीली। सबा हैं वाहकेंट से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबा, आप ठीक हैं? जी सबा, तो क्वेश्चन का आंसर करूंगी। हैदराबादी दम बिरयानी, हैदराबादी बघारे व्यंजन, हैदराबादी मंडी, ठीक है। और दूसरा मैंने आपसे ये कहना था कि पंजीरी सिखाए। तंदूरी सबसे पॉसिबल, पंजीरी। पंजीरी, जी जी, ओके। तो सर्दियां तो आने दें। हाँ जी, सर्दियाँ आने, लेकिन मैंने जरा नेक्स्ट मंथ बनानी थी। ओके, चलें पंजीरी ज़रूर बनाएंगे। और आप सही कह रही हैं, सर्दियों के अलावा भी ज़रूर उसका इस्तेमाल रखना चाहिए। मॉर्निंग में 1 से 2 टेबल स्पून अगर आप लेते हैं, बच्चों को देते हैं, बहुत अच्छा है। चलें इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे पंजीरी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट रहते हैं कि फ़िश है तो सर्दियों में इस्तेमाल होगा, या ड्राई फ्रूट्स हैं तो सर्दियों में ही इस्तेमाल होंगे। ये हकीकत है कि कुछ चीज़ों का मज़ा वेदर के साथ ही आता है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना भी करें, लेकिन थोड़ा बहुत इस्तेमाल रखना अच्छा है। घर में बच्चे हैं, पंजीरी ज़रूर बनाएं। अगर 1 से 2 टीस्पून के साथ भी आप दिन का आगाज़ कर लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं ये सारी चीज़ें, तो ज़रूर इनको रखना चाहिए। और अच्छा है कि बनाएँ, बॉटल में बंद करके रखें, और बच्चे जो ग्रोइंग एज के हैं उनको आप दे सकते हैं। दूध में मिक्स करके दे दें, इंस्टेंट नाश्ता जो है वो रेडी हो जाता है, एक झटपट सी खीर तैयार हो जाती है। अगर आप पंजीरी दूध में ऐड कर दें, थोड़ा सा उसको पकाएं और झटपट से खीर रेडी हो जाएगी। चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले भी शामिल कर देते हैं। टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए, और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1-1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं राई, और इसको हमने पीसा नहीं है, साबित ही हैं तमाम चीज़ें। सौंफ, मेथी दाना, और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं कलौंजी। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सुर्ख प्याज। ये हमने इसमें शामिल कर दी, और नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, साबित सफ़ेद ज़ीरा भी हमने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून, और अब इसको पकने देते हैं। मसाले खूब अच्छे से हमारे पक जाएं, टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। अगर आपको इस स्टेज पे ज़रूरत हो, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं भी इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देती हूँ, ताकि टमाटर भी हमारे जल्दी से पकना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही, और दही के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्चें। तो मैं क्या करूँगी, ब्रेक में थोड़ा सा इस टाइम टेकिंग होता है, तो मैंने इसमें ऐड कर देना है खटाई पाउडर, और इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस, और उसके ज़रिए ये जो मिर्चें हैं इसको हमने भर लेना है। लेमन जूस इतना ऐड करें कि आपका एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। चाट मसाले के साथ भी अगर हम इसको मिक्स करते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो मैंने यहाँ पर खटाई पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, और इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस, और इसको हम मिक्स करके, मिर्चें बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं, दरमियाने साइज़ की भी ले सकते हैं। मेरे पास जो मिर्चें हैं वो बहुत ज़्यादा ना तो बड़ी हैं और ना ही छोटी हैं, तो आप इससे बड़े वाले साइज़ की मिर्च भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं, और उसको इसी तरीके से खटास के साथ भर लें। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं यहाँ पर इसको कवर कर रही हूँ और मिर्चें भर लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर
जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन मसाला भी बहुत अच्छे से पक रहा है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और साथ ही यहाँ पर दही को फेंट लेंगे। हरी मिर्चों को भर के रख लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और बाज़ लोग हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम आप अपनी घर वालों की पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है अचार गोश्त अगर आप इसको सर्व करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेते हैं ताकि मसाले, टमाटर, तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाएं। और चिकन का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, दही ऐड करके भी हमने इसको भूनना ही है। हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। आधा कप हमारे पास है दही और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें, जिसमें हमने खटाई पाउडर, लेमन जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला और लेमन जूस वो भी बहुत अच्छा जाता है उसके साथ, आप इसको भर लें। और ना सिर्फ ये कि अचार गोश्त बल्कि अलहदा से जो मिर्चें तली जाती हैं वो भी आप कर सकते हैं, दाल चावल के साथ आप इनको तल लीजिए, तो बहुत अच्छी मज़े की लगती हैं। चलें अब मैं इसकी आंच को बंद करके इसमें ऐड कर देती हूँ दही। बहुत अच्छी सी ग्रेवी के साथ हम इसको बना रहे हैं। चलिए आधा कप दही इसमें चला गया। और अगर आपके घर में दही आप लेकर आए हैं, थोड़ा सा खट्टा भी हो गया है, दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है, 1 से 2 दिन 3 दिन दही में खटास आ जाती है, तो इस रेसिपी में आप उस खट्टे दही को इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही हम इसमें खटास दे रहे हैं अचारी मसाले से, लेमन जूस से, तो आप इसमें वो खट्टा दही बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, एक साथ मंगवा के रख लेते हैं, फ्रीज़ कर दीजिए दही को और फिर आप अपने हिसाब से निकालें और यूज़ करें, वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। चलिए मिक्स करते हैं और उसके बाद इसकी आंच में दोबारा से खोल देती हूँ। कॉलर हैं 7 से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, क्या कहेंगे? जी आपका शो मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मैं आपकी रेसिपी ट्राई करता हूँ। अच्छा, क्या क्या बना लेते हैं आप? ईद पे जो आपने कलेजी बनाई थी वो मैंने बनाई। अच्छा, चलें। और सिंधी बिरयानी मैंने ट्राई की। सिंधी बिरयानी भी आपने ट्राई की, यानी कि अगर आप बिरयानी बना लेते हैं तो फिर आप काफ़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। जी जी, सवाल का जवाब दूँ? ज़रूर दीजिए। ये हैदराबादी निहारी, ठीक है, हैदराबादी बघारे बैंगन, हैदराबादी अचार गोश्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, सवाल का जवाब दिया। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साथ ही लेमन जूस, थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और दही ऐड किया था, अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ कुछ मिनट्स के लिए। उससे ये होगा कि दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा, जो हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको कवर कर देते हैं। अब हम इसमें भगाड़ लगाएंगे गोल साबित लाल मिर्चों का, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और दैट्स इट, और कुछ भी अब हमने इसमें शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी आंच थोड़ी सी हल्की करके और इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि आराम से पकता रहे। 5 से 8 मिनट अब हमने इसको पकाना है, उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। आ जाते हैं ट्राइफल की तरफ। वैसे हमने क्रीम, दही, चीनी मिक्स करके उसको फ्रीज़ कर दिया था, अब मैं उसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमारे पास केक है इसके क्यूब्स या बारीक स्लाइसेस, वो करके उसमें शामिल कर देंगे ताकि जो क्रीम है और दही है उसका जितना भी थोड़ा बहुत लिक्विड है, दही में भी होता है, अच्छा है कि वो केक सोक कर लेगा तो फिर सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा केक हो जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको रख कर और दोबारा मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर हम कटिंग कर लेंगे फ्रूट्स की। जो फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं वो ऐड करें, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आम और केले। तो चलें यहाँ से केक ले लेते हैं। और बहुत दफ़ा हमने तैयार किया है ये हमारा सिंपल सा जो केक होता है, आप घर में तैयार कर लीजिए, बनाइए, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाते हैं। इसके हम कर लेते हैं स्लाइसेस
और फिर उस मिक्सचर में हमने इसको ऐड करके छोड़ देना है ताकि अच्छा है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए केक हमारा। सिंपल केक या फिर आप इसमें फ्रूट केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप इसको हाथों की मदद से हल्का सा तोड़ लेते हैं और उसके बाद आप उसमें ऐड कर दीजिए तो आप वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका चूरा अगर आप गार्निशिंग के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मैं थोड़े से एक से दो पीस रख लेती हूँ ताकि गार्निशिंग में हम इसको यूज़ कर लें और बाकी के जो पीस हैं वो हम ऐड कर देते हैं अपने ट्राइफल के मिक्सचर में। चाहें तो लेयर लगाइए, लेयर लगा लेते हैं। हमारे पास दो अदद हमने बोल निकाल के रख लिए हैं तो ऐसा करते हैं कि लेयर लगा लेते हैं। ब्रेक का टाइम है, शायद मेरे पास एक कॉल है, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? क्या कहेंगे आपके शो में, मेरी फर्स्ट बार बात हो रही है। ओके, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जरूर दीजिए। हैदराबादी दम बिरयानी, ठीक है, हैदराबादी मियारी, हैदराबादी दाल पूरी, हैदराबादी दाल पूरी छोले, ओके ठीक है, हैदराबादी पला मछली, और हैदराबादी कढ़ाई, ठीक है। इसमें से कौन कौन सी हैदराबादी खाने हैं जो आपने बनाए हैं या खाए हैं या ट्राई किए हैं? हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी मैंने बनाई थी। ओके, कैसी बनी? जबरदस्त। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। ब्रेक का टाइम है, मैं असेंबल कर रही हूँ। ऐसा करेंगे, छोटा वाला बोल आपके सामने असेंबल करेंगे और जो बड़ा है वो मैं असेंबल कर लेती हूँ। फ्रूट्स काट लेते हैं क्योंकि अचार गोश्त में अब हमारा इतना काम नहीं है, ये आराम से कुक होता रहेगा। ब्रिक से वापस आते हैं, ट्राइफल को असेंबल करेंगे और जैसा आपको अच्छा लगता है ऐसे डेकोरेट करें। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। हमने इसमें ऐड किया था दही और साथ ही हमने इसमें ऐड की भरी हुई मिर्चें और अब ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। हम इसको यहीं पर ही बंद कर देंगे क्योंकि इतनी ग्रेवी हमें चाहिए कि गाढ़ी गाढ़ी सी जो इसकी ग्रेवी है, तो इसी स्टेज पे हम इसको बंद कर देते हैं। नमक या मिर्च अगर कम हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे गोल साबित मिर्चों के साथ। हम इसमें एक से दो टेबल स्पून ऑयल के साथ भगाड़ लगा देंगे, दैट्स इट। तो इसकी आंच को कर देते हैं बंद और अब आ जाते हैं अपने ट्राइफल की तरफ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने जो ट्राइफल है उसको गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ ऐड कर देते हैं, आम के स्लाइसेस, अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं, अंगूर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बेस में हमने दे दिए इसमें केक के कुछ पीसेस और उसके बाद हमने ये मिक्सचर ऐड किया। हमने इसको फ्रिज में फ्रीज़र में रखा था तो अच्छा सा ये ज़बरदस्त सा सेट भी हो गया। आपको चूल्हे पर कुछ भी नहीं पकाना है और आप इसको सिर्फ मिक्सिंग करेंगे और आपका ज़बरदस्त सा क्रीमी सा और हेल्दी, मैं इसलिए कह रही हूँ, उसमें हमने दही भी ऐड किया है। आप इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ कर लीजिए तो बग़ैर किसी कुकिंग के आपका ज़बरदस्त सा ट्राइफल जो है वो रेडी हो जाएगा। सीज़न के फ्रूट ऐड कर दीजिए, पीचेस बहुत अच्छे आए हुए हैं, पीचेस आप इसमें शामिल कर सकते हैं और केले तो रहते ही हैं सारा साल। आम भी अब ऑलमोस्ट सीज़न के एंड पे ही हैं। अगर आप शेक्स बहुत ज़्यादा शौक से पीना पसंद करते हैं तो आप इसके पल्प को
फ्रीज कर सकते हैं और उसके बाद अगर आइस क्यूब्स में रख दीजिए या फिर पीसेस बना के रख दीजिए और फिर कभी ऑफ सीज़न आप उसको निकालें, दूध के साथ ब्लेंड करें और मैंगो शेक को इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें, अब हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फ्रूट्स की लेयर लगाते जाना है और फिर जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश कर लेंगे। मैं एक अदद प्लेट ले लेती हूँ। और थोड़ा सा ऑरेंज का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऑरेंज का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, गार्निशिंग के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रूट्स के स्लाइसेस आप गार्निशिंग में यूज़ करें या व्हिप क्रीम के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। वैसे क्रीम ऑलरेडी इसमें इतनी ज़्यादा है कि ऊपर से अगर क्रीम ना ही यूज़ की जाए तो कम है। चलें, ये जो आमों के चंक्स हैं ये मैं शामिल कर देती हूँ। साइड्स के रख लीजिएगा ताकि आप उसको गार्निशिंग में यूज़ करें। मीठे के लिए कह सकते हैं कि जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश करें, कोई ऐसा रूल नहीं है। चलिए, ये वाला आम भी छील लेते हैं और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा ऑरेंज का जो हमारे पास पाउडर रखा हुआ है वो हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। चॉकलेट्स चिप्स शामिल कर दीजिए, नट्स ऐड कर दीजिए, बहुत बहुत कुछ हो सकता है अगर हम ट्राइफल की बात करें। और इसके अलावा सवाल दोहराते चलें, वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, आप हमें बताएंगे हैदराबादी कुछ रेसिपीज़ के नाम और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी इलेक्ट्रिक कैटल एनेक्स की तरफ से। तो आपने क्या करना है उसके लिए, जल्दी जल्दी कॉल मिलानी है या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और आप उसको भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। मैं इसमें आम ऐड कर रही हूँ। अगेन हम इसमें थोड़ा सा केक शामिल करेंगे और फिर उसके बाद ये जो मिक्सचर है ये हम इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें लेयर लगाते जाएंगे। वैसे आप ये काम घर में जो हमारे बच्चे मौजूद होते हैं उनके साथ भी आप ये काम ले सकती हैं, वो बहुत शौक से करेंगे। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि चूल्हे का कोई काम हो, बल्कि कंप्लीट ट्राइफल भी वो तैयार कर सकते हैं। चलें जी, क्यूब्स ऐड करते जाते हैं। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और मैं थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड क्लियर कर देती हूँ। साथ ही केक को एक अदद और मिक्सिंग बोल में ऐड कर देते हैं और जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लेयर करते जाएं। और जितना अच्छा आप इसको ठंडा करेंगे ये उतना ही मज़ेदार लगेगा। तो केक अपना रख लेते हैं यहाँ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। मैं सिर्फ ट्राइफल को अरेंज कर रही हूँ और जो भगार है वो हम आपके सामने लगाएंगे, उसको भी डिश आउट करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हैदराबादी अचार गोश्त, अजसा चिकन 750 ग्राम, प्याज डेढ़ खाने का चमचा, टमाटर 6-7 अदद, लहसुन का पेस्ट डेढ़ खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट डेढ़ खाने का चमचा, हरी मिर्च 10-12 अदद, दही डेढ़ कप, नींबू का रस 3-4 खाने के चमचे, तेल या घी 1-1/4 कप, अचार गोश्त मसाला 50 ग्राम, हरा धनिया गार्निश के लिए, अगार के लिए कड़ी पत्ते 2-3 अदद, साबित लाल मिर्च 3-4 अदद। तरकीब, पहले 2-3 खाने के चमचे नींबू का रस में 1-2 खाने के चमचे अचार गोश्त मसाला शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर हरी मिर्च काट कर उनमें मसाला भर के अलग रख दें। पैन में तेल या घी गरम करके प्याज नरम होने तक फ्राई करें। अब चिकन अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर 1-2 मिनट फ्राई कर लें। फिर बचा हुआ अचार गोश्त मसाला और दही शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद 1 कप पानी डाल के ढककर गोश्त गलने तक पकाएं। अब टमाटर के टुकड़े शामिल करके गलने तक पकाएं। तेल अलग हो जाए तो उसमें भरी हरी मिर्च डाल के 10 मिनट धीमी आंच पर ढककर पकाएं। आखिर में नींबू का रस शामिल करके उतार लें।
जायका बढ़ाने के लिए कड़ी पत्ते और साबित लाल मिर्च का भगार लगाएं, आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। मैंगो बनाना ट्राइफल अज्जा, केले स्लाइस 3 अदद, आम स्लाइस 3 अदद, ऑरेंज पाउडर 3 खाने के चमचे, प्लेन केक के क्यूब्स 6 स्लाइस, दही 2 कप, क्रीम 2 पैकेट, आइसिंग शुगर 4 खाने के चमचे। तरकीब, एक बोल में केले स्लाइस, आम स्लाइस और ऑरेंज पाउडर मिक्स कर लें, फिर प्लेन केक के क्यूब्स की लेयर बना लें, उसके बाद आधे आम और केले डालें, फिर दही, क्रीम और आइसिंग शुगर को एक साथ मिक्स करके शामिल करें, फिर फ्रूट को दही में मिक्स करके डाल दें, उसके बाद इस अमल को दोहराएं और ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये आ गया हमारा अचार गोश्त। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ, और उसके साथ जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने असेंबल कर लेना है ट्राइफल। तो मैं उसके ऊपर थोड़े से और मैंगो और केला, ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। तो इसको अपनी टेबल पे लेके चलते हैं। चलिए, विनर के नाम मेरे पास आ चुका है, नौरीन है मुल्तान से। तो नौरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ आज तड़का में बनने जा रहे हैं गलावटी टिक्के, बाल्टी दाल, और बनेगा जनाब पंजाबी चटपटी रोटी। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो कीजिएगा। थोड़े से इस पर फ्रूट्स ही ऐड कर देते हैं और इसको लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। जितना मेरे पास टाइम है इतना हम इसको दे देते हैं, और जहाँ तक मीठों की बात है जैसे आपको अच्छा लगता है बस आपने वैसे इसको गार्निश करते जाना है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जितना अच्छा आप ठंडा करेंगे उतना ही मज़ेदार लगेगा। जो फ्रूट्स आपको आपके घर वालों को अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड करें। कुछ मिंट लीव्स भी शामिल किए जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देंगे, कलर ब्रेकिंग हो जाएगी। तो चले मैं ये छोटा वाला बोल रेडी कर लेती हूँ, उसको टेबल पे लेके चलते हैं, और बड़ा वाला हम वो भी रेडी करेंगे, फिर आप लोगों से इजाज़त भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। विनर को एक दफ़ा फिर अनाउंस करते चलें। नौरीन हैं जनाब मुल्तान से। नौरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप विनर करार पाई हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आज थी हमारे पास इलेक्ट्रिक कैटल, जो इंशाल्लाह ताला आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। मैं इस पर थोड़े से स्लाइसेस रख रही हूँ, अगर मुझे बता दिया जाए कि हमारे पास कितने मिनट्स रह गए। ओके, तो मैं इसको टेबल पर लेकर चलती हूँ, और इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ये है हमारे पास ऑरेंज पाउडर। अच्छा लगता है ज़रूर ऐड करें, किसी वजह से नहीं पसंद आपको आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इस ट्राइफल को रेडी करती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों से इजाज़त भी लेते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे बहुत ही टेम्पटिंग से मज़ेदार से वीक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।